हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आप अपने लिए कोई बेस्ट एलईडी टीवी बाय करना चाहते हैं, फिर मान लीजिए एलईडी कोई मॉनिटर बाय करना चाहते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे आप जब उसके स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें लिखा होता है कि यहाँ पे जो बैकलाइट टाइप इस्तेमाल कौन सी की गई है, या फिर वहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ पे जो बैकलाइट डिमिंग टाइप जो कौन सी इस्तेमाल की गई है। तो वहाँ पे आपको दोस्तों अक्सर तीन तरह की जो बैकलाइट डिमिंग टाइप होती है देखने को मिलती है। एक जो हमारे दोस्त होती है वहाँ पे जो होती है एज लाइट सिस्टम होता है, एक जो हमारा होता है डायरेक्ट एलईडी होता है, एक जो होता है हमारा फुल अरे जो लाइट डिमिंग टाइप होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि जो हमारे लोकल डिमिंग क्या होती है और जो तीन तरह की जो लाइट डिमिंग सिस्टम होता है इनमें से बेस्ट व्यू आपको किसमें देखने को मिलता है, और जब भी आप अपने लिए कोई बेस्ट एलईडी टीवी बाय करना चाहते हैं तो वहां पे आपको देखना जरूरी क्यों होता है कि उसमें जो बैक लाइट डिमिंग है या फिर लोकल डिमिंग है वो कौन सी टाइप वाली है। तो दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये सब चीज जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारे जो लोकल डिमिंग क्या होती है ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि जो हमारी एलईडी टीवी में होता क्या है। तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो एलसीडी होती है, मतलब जिसे हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे उसके पीछे जो बैक लाइट में है लेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। तो वहाँ पे छोटे छोटे जो बल्ब होते हैं एलईडी वाले, तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वहाँ पे क्या किया जाता है कि उसमें जो चमक पैदा हो सके हमारी स्क्रीन में, हमारी जो ब्राइटनेस स्क्रीन जो हमें दिख सके, तो वहाँ पे जो उसके पीछे बैक लाइट के रूप में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ जितनी भी हमारी जो ब्राइटनेस होती है किसी टीवी या फिर मान लीजिए मॉनिटर की, तो वहां पे उसे जो कैंडेला पर स्क्वायर मीटर में मापा जाता है, और जिसे हम निट्स में बोल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको जो इसके बारे में और डिटेल में जानना हो कि निट्स क्या होती है, तो उसके ऊपर मैंने पहले से डिटेल में वीडियो बनाई है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों जब भी हमारे जो एलईडी बल्ब बैक लाइट से वहां पे जलते रहेंगे, मतलब लगातार, तो वहां पे क्या होगा कि जब भी हम कोई पिक्चर देख लेते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जब वो बुझेंगे नहीं, मतलब उनकी जो लाइट डिम नहीं होगी, तो वहां पे क्या होगा जो हमारा ब्लैक पोर्शन भी होगा वो जो है अच्छे तरीके से वहां पे हमें ब्लैक शो नहीं होगा, तो वहां पे वो ग्रेइश कलर का वहां पे शो होगा। तो यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल जितनी भी एलईडी होती है उनमें ये होता है। पर दोस्तों यहाँ पे जो लोकल डिमिंग होती है उसमें यहाँ पे क्या होता है कि जब भी लोकल डिमिंग का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हमारे जो बैक लाइट में जो एलईडी लाइट होती है वो जो होती है वहां पे डिम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लैक पोर्शन होता है जो हमें ब्लैक के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे जो एलईडी लाइट वहां पे जो कम हो जाएंगी, मतलब वो बिल्कुल डिम हो जाएंगी, मतलब कुछ टाइम के लिए, तो वहां पे जो ब्लैक पोर्शन होता है, मतलब हमारे जो पिक्चर का बिल्कुल ब्लैक होता है, वो हमें अच्छे तरीके से ब्लैक नजर आता है। अगर मान लीजिए एलईडी लाइट जो बैक लाइट में होती है वो हमेशा जलती रहेंगी, तो वहां पे क्या होगा जब कोई हम पिक्चर देख रहे होंगे तो वहां पे जो ब्लैक पोर्शन है हमें जो ब्लैक में नहीं नजर आएगा, मतलब वो जो हमें ग्रे कलर का नजर आएगा, या फिर मान लीजिए उसमें जो ब्लैक पोर्शन में भी हमें जो व्हाइटनेस थोड़ी नजर आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे जो हमें पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नजर नहीं आएगी। तो दोस्तों वहां पे लोकल डिमिंग जो मेथड होता है उसकी मदद से क्या होता है कि हमारे जो एलईडी की बैक लाइट होती है उसे बिल्कुल डिम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें जो पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छे नजर आते हैं, क्योंकि वहां पे जो ब्लैक पोर्शन होता है फिर हमें जो ब्लैक ही नजर आता है। मतलब मान लीजिए कोई भी चीज हम देख रहे हैं तो वहां पे उसमें कुछ पोर्शन ब्लैक होगा, मतलब जो ब्राइटनेस कम चाहिए होगी वहां पे उस एरिया में, तो वो जो है ब्राइटनेस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा कि हमें पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छे तरीके से वहां पे नजर आएगी। तो दोस्तों यहां पे लोकल डिमिंग में ये होता है। आप दोस्तों आपने देखा होगा कि लोकल डिमिंग वहां पे तीन तरह के जो बैक लाइट इस्तेमाल किया जाते हैं, एक जो हमारी होती है एज लाइट होती है, दूसरी जो हमारी होती है वो जो होती है डायरेक्ट एलईडी, और तीसरी जो होती है फुल अरे वाली जो हमारी जो बैक लाइट टाइप होती है। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं जो हमारी एज लाइट वाली जो मेथड होता है उसमें क्या होता है। तो दोस्तों यहां पे क्या होता है, मान लीजिए आपका टीवी या फिर मॉनिटर है, उसमें क्या होता है कि वहां पे जो हमारी जो मॉनिटर या टीवी की साइड में वहां पे जो हमारी जो लाइट सिस्टम होता है, मतलब वहां पे जो एलईडी ऊपर या नीचे या आपके लेफ्ट या राइट में वहां पे जो आपके एलईडी टाइप होगी, तो वहां पे उससे दोस्तों क्या होगा कि यहां पे इसकी मदद से क्या होता है कि वहां पे हमारी जो स्क्रीन है, मतलब मान लीजिए कोई भी एलईडी टीवी या फिर मान लीजिए मॉनिटर है, तो उसका जो स्क्रीन जो होती है, मतलब थिकनेस है, बहुत ही कम हो जाती है। और यहां पे दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो एज लाइट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि हमारी जो लाइट होती है एलईडी लाइट इतनी ज्यादा नहीं होती, और वहां पे वो बिजली की भी कम खपत करती है, और वहां पे हमें जो पिक्चर क्वालिटी भी काफी अच्छी नजर आती है। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो हमारा एज लाइट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्राइटनेस है वो अच्छे तरीके से कई बार नजर नहीं आती, मतलब उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमें साइडों से स्क्रीन ब्लीडिंग नजर आती है, मतलब वहां पे जो क्या होता है कि साइड में से ज्यादा ब्राइट होता है पर अंदर में हमें जो कलर होते हैं वो इतने ज्यादा डार्क दिखाई देती है। तो यहाँ पे कई बार जो हमारे जो एज लाइट सिस्टम में ये होता है, मतलब वहां पे इसमें सिंपल मतलब ये है कि हमारा जो एज लाइट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि हमारे जो स्क्रीन साइज का थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है, वहां पे जो कम एलईडी इस्तेमाल की जाती है, और वहां पे
क्या होता है कि ये जो है आपकी बिजली कम खपत करती है। तो यहाँ पे इसका फायदा होता है, पर नुकसान दोस्तों ये होता है कि वहां पे कई बार क्या होता है कि हमारे जो साइड में से हमें जो ब्राइट कलर नजर आते हैं, सेंटर में जो हमें कम कलर जो ब्राइट नजर आते हैं, अगर दोस्तों वहां पे एज लाइट सिस्टम में वहां पे जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से नहीं है तो आपको ये दिक्कत जरूर नजर आएगी। मतलब साइड में से आपकी पिक्चर ब्राइटनेस होगी और बीच में से आपकी इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होगी, या फिर कई बार क्या होता है कि इसकी मदद से हमें जो कलर भी अच्छे तरीके से अपना दिखाई देता है, मतलब वहां पे क्या होता है कि ब्लैक पोर्शन है काफी अच्छा वहां पे जो ब्लैक नजर आता है। तो यहाँ पे जो एज लाइट सिस्टम में ये होता है। तो दोस्तों ये तो बात होगी हमारे एज लाइट सिस्टम के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे दूसरी लाइट सिस्टम होता है, मतलब जिसे हम बोलते हैं वहां पे डायरेक्ट लेड सिस्टम बोलते हैं, मतलब वहां पे डिमिंग टाइप होती है, उसमें क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जितनी हमारे टीवी होते हैं या फिर मॉनिटर होते हैं उसमें क्या होता है कि वहां पे जो टीवी या मॉनिटर की बैक साइड में पूरी स्क्रीन में वहां पे जो आपकी छोटी छोटी लेड लाइट होती है उसमें दोस्तों वहां पे क्या होता है कि जिसकी मदद से इसमें सबसे ज्यादा ये होता है कि वहां पे क्या होता है कि हमारी जो टीवी पे है, मतलब या फिर मान लीजिए मॉनिटर की पूरी स्क्रीन पे है, पूरी इक्वली वहां पे जो ब्राइटनेस होती है स्क्रीन पर। दोस्तों वहां पे क्या होता है कि मान लीजिए कम कई बार डिमिंग भी आती है तब भी वहां पे हमें जो ब्लैक पोर्शन है जो ब्लैक नजर नहीं आता, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हमारी जो बैक लाइट है पूरी स्क्रीन में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे जो हमारा ब्लैक पोर्शन भी है उस लाइट में से थोड़ा बहुत वहां पे जो उसमें ब्राइटनेस आता है, जिसकी वजह से वहां पे हमें ग्रेश जो नजर आता है या ग्रे कलर का हमें जो ब्लैकिश नजर आता है। तो वहां पे कई बार जो हमें ब्लैक पोर्शन अच्छे तरीके से जो ब्लैक नहीं दिख पाता, पर दोस्तों वहां पे जो हमारी इसमें चमक होती है, मतलब जो ब्राइटनेस होती है पूरी स्क्रीन में एक जैसी होती है, जिससे हमें जो ब्राइटनेस जो हमें चीज देखनी होती है वो बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आती है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हमारे जो डायरेक्ट लेड टीवी होते हैं या फिर मान लीजिए कि जो डायरेक्ट लेड मॉनिटर होते हैं उसकी जो थिकनेस बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे जो लेड की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, मतलब एज लिट सिस्टम होता है उसके मुकाबले यहाँ पे जो एलईडी बल्ब होते हैं बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका जो थिकनेस है मतलब हमारे जो टीवी या फिर मॉनिटर की ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि लेड की संख्या ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो बिजली ज्यादा कंज्यूम होती है, जिसकी वजह से हमारा जो फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आता है। दोस्तों सिंपल मतलब ये है कि हमारे जो डायरेक्ट लेड टीवी होता है उसमें हमें ब्राइटनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, पर मान लीजिए वहां पे हमारी जो लाइट डिम भी हो जाए तभी भी हमें कई बार जो ब्लैक पोर्शन अच्छे तरीके से ब्लैक नजर नहीं आता जो हमारा डायरेक्ट लेड टीवी होता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको डिसएडवांटेज क्या देखने को मिलती है कि यहाँ पे ज्यादा एलईडी होने की वजह से, मतलब बैक लाइट में एलईडी ज्यादा होने की वजह से वहां पे जो इसकी थिकनेस बढ़ जाती है और वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती है, तो ये इसका नुकसान है। तो दोस्तों हम बात करते हैं बैक लाइट डिमिंग टाइप या फिर लोकल डिमिंग के लिए जो तीसरे मेथड का जो इस्तेमाल किया था वो किया था फुल अरे। फुल अरे में दोस्तों क्या था कि जैसे मान लीजिए हमारे डायरेक्ट एलईडी टाइप में वहां पे क्या था कि हमारे जो पूरी स्क्रीन में जो एलईडी लाइट होती है, यहाँ पे भी दोस्तों सेम ऐसी होता है, वहां पे भी जो हमारी काफी संख्या में जो छोटी छोटी जो एलईडी लाइट होती है, पर यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि इस डिमिंग मेथड में क्या होता है कि वहां पे जो हमारे पोर्शन होते हैं कुछ पोर्शन होते हैं मतलब बीच बीच में वहां पे उसे जो अलग अलग जोन में बांट दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे उसे क्या होता है कि उन पोर्शन का वहां पे जो लाइट को डिम कर दिया जाता है, मतलब वहां पे ये होता है कि पूरी स्क्रीन की जैसे डायरेक्ट एलईडी में पूरी लाइट जो डिम हो जाती है, पर यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पोर्शन की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वहां पे जो लाइट को डिम किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे दोस्तों की हमें जो ब्लैक पोर्शन होता है वो बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैक नजर आता है और जो हमारा ब्राइटनेस होता है वो बिल्कुल ब्राइट नजर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे दोस्तों हमें जो पिक्चर क्वालिटी है सबसे जो बेस्ट नजर आती है, मतलब यहाँ पे दोस्तों की हमारा जो डायरेक्ट लाइटिंग मेथड होता है या फिर मान लीजिए एज लाइट मेथड होता है उसके कंपेरेटिव यहाँ पे सबसे पिक्चर क्वालिटी इसमें बेस्ट नजर आता है, और यहाँ पे जो ब्लैक पोर्शन भी हमें जो ब्लैक नजर आता है और या फिर जो ब्राइटर कलर होता है वो हमें जो ब्राइट नजर आता है, मतलब यहाँ पे जो कलर जो क्वालिटी है सबसे ज्यादा हमें बेस्ट देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों सबसे जो बढ़िया जो हमारा होता है मतलब यानी कि डिमिंग मेथड वो जो होता है फुल अरे डिमिंग मेथड होता है। और दोस्तों इसकी एडवांटेज बस यही होती है कि यहाँ पे जिसमें पिक्चर क्वालिटी हमें सबसे बेस्ट नजर आती है, बस दोस्तों यहाँ पे इसकी डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पे जो हमारे डायरेक्ट लाइट की तरह यहाँ पे भी जो इसमें लाइट सिस्टम होती है, मतलब एलईडी लाइट होती है छोटी छोटी काफी होती है, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस जो बढ़ जाती है, मतलब एज कम्पेयर टू हमारे जो एज लाइट सिस्टम के मुकाबले। तो दोस्तों पर यहाँ पे हमें जो पिक्चर क्वालिटी सबसे बेस्ट नजर देखने को मिलती है, पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि जितने भी हमारे फुल अरे वाले जितने भी टीवी होते हैं, चाहे मान लीजिए जितनी मर्जी स्क्रीन साइज वाले हो, वहां पे उसका प्राइस जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो हमारा एज लाइट सिस्टम होता है या फिर मान लीजिए डायरेक्ट एलईडी टाइप वाला जो टीवी होता है उसके मुकाबले इसका जो प्राइस काफी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें पिक्चर क्वालिटी भी आपको सबसे ज्यादा बेस्ट देखने को मिलती है। तो दोस्तों जब भी आपने लिए कोई बेस्ट एलईडी टीवी या फिर मान लीजिए मॉनिटर बाय करना चाहते हैं तो वहां पे मान लीजिए आपका बजट है तो वहां पे आपको जो फुल अरे लाइट डिमिंग वाला सिस्टम जो होता है वो वाला टीवी बाय करना चाहिए, पर दोस्तों उसका ध्यान रखिए कि वहां पे उसका प्राइस काफी ज्यादा आता है। पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोकल डिमिंग के लिए जो हमारे बैक लाइट जो अरेंजमेंट इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो हमारे एज फिर डायरेक्ट एलईडी या फिर मान लीजिए जो हमारी फुल अरे होती है जिसमें हमें जो सबसे ज्यादा जो ब्लैक पोर्शन देखने को मिलता है, मतलब हमें पिक्चर क्वालिटी सबसे ज्यादा बढ़िया देखने को मिलती है, मतलब वहां पे जो ब्लैकिश होता है हमें ब्लैक देखने को मिलता है और यहाँ पे जो हमारा ब्राइटनेस कलर होता है वो हमें काफी ब्राइट देखने को मिलता है, मतलब इसमें जो पिक्चर क्वालिटी हमें सबसे ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है। और उससे भी दोस्तों अगर हमें जो बेहतर कलर चाहिए या फिर पिक्चर क्वालिटी चाहिए तो वो आपको ओएलईडी में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे दोस्तों क्या होता है कि वहां पे जो हमारी जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक लेड बोलते हैं, मतलब वहां पे क्या होता है कि हमारी जो पिक्चर में
होती है, मतलब OLED में होती है, वहां पे जो उसमें बैक लाइट के लिए कोई भी LED का इस्तेमाल नहीं किया था, वहां पे दोस्तों जो उसका इंडिविजुअल पिक्सल होता है वो जो खुद में अपनी एक जो चमक पैदा करता है, या फिर कहें कि जब उसमें वोल्टेज अप्लाई किया जाती है तो उसकी खुद की एक जो ब्राइटनेस होती है, उसमें क्या होता है कि या तो आपका जो पिक्सल जो ऑन होगा या फिर बिल्कुल ऑफ होगा, जिसमें जो आपको ब्लैकिश जो कलर होता है या फिर कंप्लीटली ब्लैक नजर आता है, और जो ब्राइटनर कलर होता है वो ब्राइट नजर आता है। तो सिंपल मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे जो फुल अरे के मुकाबले यहाँ पे जो ब्लैक कलर हमें और ज्यादा जो ब्लैकिश जो नजर आता है, मतलब कंप्लीटली जो ब्लैक नजर आता है, वो जो हमें OLED टीवी में नजर आता है, मतलब वहाँ पे आपको पिक्चर क्वालिटी और ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नई नई चीजें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।